हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लैटीहेल मेंथीज के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। प्लैटीहेल मेंथीज, जैसे आप लोगों को पता है कि इसमें सारे फ्लैट वर्म्स आते हैं, जो भी चपटे वर्म्स होते हैं वो हम प्लैटीहेल मेंथीज में स्टडी करते हैं। इसमें हम विशेषकर टीनिया, दिस वन इज टीनिया, और साथ में लीवर फ्लूक और सिस्टोस्टोमा को पढ़ते हैं। आपका सिलेबस इन तीनों पर ही मेजोरिटी में प्रिसाइज है, तो हम इन तीनों को ही स्टडी करेंगे। ओके, अब हम यहाँ पे एमसीक्यूज में हर एक स्लाइड में दो क्वेश्चंस होंगे। आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और एट सडन ही मैं उनके आंसर्स भी बताती हुई चलूँगी। ओके, तो क्वेश्चन है, फ्लेम सेल्स अराइज फ्रॉम डैश ऑफ फैसियोला। ठीक है, ऑप्शंस है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइजेस्टेड फूड इन फैसियोला इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम, सेल टू सेल बाय डिफ्यूजन या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो आप पहले खुद सॉल्व कीजिए। आंसर है फ्लेम सेल्स अराइज फ्रॉम डैश ऑफ फैसियोला, मतलब मीजोडर्म सेल से आपके फैसियोला जो एनिमल है उसके फ्लेम सेल्स बनते हैं। ठीक है, और फ्लेम सेल्स आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है, डाइजेस्टेड फूड इन फैसियोला इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, टेग्यूमेंट्स ऑफ फैसियोला इज एबल टू एब्जॉर्ब। जो फैसियोला के टेग्यूमेंट्स होते हैं वो किस चीज़ को एब्जॉर्ब करता है? ठीक है, फैट्स एंड फैटी एसिड, प्रोटीन्स एंड फैटी एसिड, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। ठीक है, नेक्स्ट है, पेरेन्काइमा ऑफ फैसियोला एक्ट एज, जो फैसियोला का पेरेन्काइमा होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है? ट्रांसपोर्ट मीडियम, न्यूट्रिशन मीडियम, एक्सक्रीटरी मीडियम या रिप्रोडक्टिव मीडियम। तो आंसर है, टेग्यूमेंट्स ऑफ फैसियोला इज एबल टू एब्जॉर्व ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स, जबकि पेरेन्काइमला जो है फैसियोला का वो ट्रांसपोर्ट मीडियम की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट है, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ फैसियोला आर, फैसियोला के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या हैं मेन? ओके, तो यहाँ पे है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड एंड यूरिया, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फैटी एसिड्स, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, इन फैसियोला स्पोरोसिस प्रोड्यूसेस रेडी, रेडी प्रोड्यूस सर्केरी लार्वी। ठीक है, इन दिस केस द फिनोमेना इज कॉल्ड, इस तरीके के फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? इसमें क्या होता है, फैसियोला में स्पोरोसिस प्रोड्यूस कर रहा है रेडी को, और रेडी ये अलग अलग लार्वल स्टेजेस हैं। अगर आपने लाइफ साइकिल को अच्छे से स्टडी किया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, रेडी सर्केरी लार्वी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? तो है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो फैसियोला का होता है वो है आपका अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फैटी एसिड। ओके, और जबकि फैसियोला में जो स्पोरोसिस रेडी को प्रोड्यूस करते हैं, फिर रेडी सर्केरी लार्वी को प्रोड्यूस करता है, ये जो फिनोमेना है इसे हम पीडोजेनेसिस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, प्लेनेरिया एग्जिबिट ग्रेट पावर ऑफ रीजेनरेशन व्हेन मिसिंग पार्ट्स फॉर्म्ड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड। अभी जो प्लेनेरिया है वो सबसे ज़्यादा रीजेनरेशन की, नए जो उसके ऑर्गन्स हैं वो दोबारा से बन जाते हैं, ग्रेट पावर ऑफ रीजेनरेशन शो करता है, इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? एपीमॉर्फोसिस, मॉर्फोलेक्सिस, मॉर्फोजेनेसिस या मेटामॉर्फोसिस। ओके, नेक्स्ट है, विलाय आर फाउंड ऑन आउटर सरफेस ऑफ टीनिया टेग्यूमेंट, जो टीनिया का टेग्यूमेंट है उसमें बाहरी सतह पर विलाय प्रेजेंट होते हैं, क्यों? ठीक है, जैसे हमारे में हम देखते हैं कि इंटरनल सरफेसेस में विलाय प्रेजेंट होते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्यों है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द बॉडी, टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, टू इंटेंगल फूड या टू इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव पावर। आंसर है, प्लेनेरिया के पास जो ग्रेट पावर ऑफ रीजेनरेशन होती है, अपने मिसिंग पार्ट्स को दोबारा बना लेता है, इस तरीके के फिनोमिना को हम एपीमॉर्फोसिस कहते हैं, क्योंकि यह सिर्फ बाहरी सतह, ऊपरी सतह पर ही दोबारा से रीजेनरेशन शो कर पाता है, इसलिए एपीमॉर्फोसिस कह रहे हैं। ओके, और जो विलाय आपके टीनिया में के टेग्यूमेंट में प्रेजेंट होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि टीनिया ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर सके जो भी फूड मटीरियल हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है उसका। ओके, जो भी आपका डाइजेस्टेड फूड मटेरियल।
नेक्स्ट है डिटैचमेंट ऑफ ग्रेविड सेगमेंट्स ऑफ टीनिया फ्रॉम स्ट्रोबिला इज, ठीक है, जब हम देखते हैं आपने टीनिया की लाइफ साइकिल अच्छे से पढ़ी होगी तो आप समझ रहे होंगे डिटैचमेंट होता है जब ग्रेविड सेगमेंट का टीनिया के स्ट्रोबिला से जब डिटैच हो जाता है ग्रेविड सेगमेंट तो उसको हम क्या कहते हैं, एक डायसिस मोल्टिंग डिटैचमेंट या एपोलाइसिस, ठीक है। नेक्स्ट है हर्मोफ्रोडाइट सेगमेंट इन टीनिया आर फाउंड इन फ्रॉम 1 to 100 सेगमेंट्स, फ्रॉम 200 to 400 सेगमेंट्स, फ्रॉम 400 to 800 सेगमेंट्स या नन ऑफ दीज। ओके, हर्मोफ्रोडाइट के सेगमेंट्स टीनिया के किस भाग में पाए जाते हैं, कि कौन से भागों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आंसर है डिटैचमेंट ऑफ ग्रेविड सेगमेंट ऑफ टीनिया फ्रॉम स्ट्रोबिला इज एपोलाइसिस, और हर्मोफ्रोडाइट जो सेगमेंट्स हैं टीनिया के शरीर में वो 200 से 400 सेगमेंट्स के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो लगभग ऐसा देखा जाता है कि जो टीनिया के सेगमेंट्स हैं वो 800-1200 तक रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है सिस्टोसोमा इज कॉल्ड ब्लड फ्लूक बिकॉज इट सक्स ब्लड, सैंग्यूवोरस, लिव्स इन ब्लड और प्रोड्यूसेस ब्लड। सिस्टोस्टोमा जिसे ब्लड फ्लूक भी कहते हैं वो क्या करता है इनमें से, बेसिकली आप ये बताएंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ टीनिया आर नेफ्रीडिया, फ्लेम सेल्स, मालफीजियन ट्यूबल्स या ग्रीन ग्लैंड्स। ओके, आंसर है सिस्टोस्टोमा हमारी ब्लड में रहता है इसलिए इसे ब्लड फ्लूक कहते हैं। ओके, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो टीनिया के हैं वो फ्लेम सेल्स होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज सिस्टी सर्कस, सिस्टी सर्कस क्या है, टीनिया की लाइफ साइकिल में आपने देखा होगा सिस्टी सर्कस क्या है। ओके, तो आंसर तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एनी हाउ एब्डोमिनल पार्ट ऑफ कॉकरोच, इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ मोनोसिस्टिस, पार्ट ऑफ इंटरनल एयर ऑफ फ्रॉग एंड लार्वल स्टेज ऑफ टीनिया सोलियम, इनमें से क्या है। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ टीनिया टू सेकेंडरी होस्ट टेक्स प्लेस एट फॉलोइंग स्टेज, ठीक है। ऑप्शन है ऑन्कोस्फेयर, एग, मॉड्यूला, सिस्टी सर्कस, ठीक है। आंसर है आपके सिस्टी सर्कस लार्वा की एक स्टेज है जो कि टीनिया सोलियम की लाइफ हिस्ट्री में देखी जाती है, और ट्रांसफर ऑफ टीनिया टू सेकेंडरी होस्ट, जब टीनिया सेकेंडरी होस्ट में जाता है तो वो कौन सी कंडीशन में जाता है सेकेंडरी होस्ट के पास, ठीक है। दैट इज सिस्टी सर्कस, सिस्टी सर्कस कंडीशन में ही वो अपने प्राइमरी होस्ट को छोड़ के सेकेंडरी होस्ट में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टीनिया सेजिनाटा डिफर फ्रॉम टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनाटा टीनिया सोलियम से अलग कैसा है, ठीक है। आप टीनिया सेजिनाटा और टीनिया सोलियम के पिक्स को लास्ट स्लाइड में देख सकते हैं या फिर जो पीपीटी की पहली स्लाइड है उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ हुक्स, एब्सेंस ऑफ हुक्स ऑन स्कॉलेक्स एंड प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन राइट प्रोग्लॉटिड्स, एब्सेंस ऑफ हुक्स फ्रॉम स्कॉलेक्स या फिर एब्सेंस ऑफ हुक्स फ्रॉम स्कॉलेक्स एंड मोड ऑफ ब्रांचिंग ऑफ यूटेराई ऑफ राइट प्रोग्लॉटिड्स। ओके, तो आंसर क्या है इनमें से आपको बताना है। आंसर है टीनिया सेजिनाटा अंतर होता है टीनिया सोलियम से क्योंकि इनके पास हुक्स एब्सेंट होते हैं स्कॉलेक्स वाले भाग में, टीनिया सेजिनाटा के पास हुक्स नहीं होते हैं स्कॉलेक्स वाले भाग में। नेक्स्ट है फ्लेम सेल्स, पेरेन्काइमा एंड पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स आर फाउंड इन, ये किसके पास पाए जाते हैं, फ्लेम सेल्स, पेरेन्काइमा और लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स किसके पास पाए जाएंगे, टीनिया, पेरिप्लेनेटा, मस्का या एस्कैरिस। ओके, नेक्स्ट है हेक्साकैंथ लार्वा ऑफ टीनिया बोर्स थ्रू इंटेस्टिनल वॉल विद हेल्प ऑफ, टीनिया के जो हेक्साकैंथ लार्वा है वो हमारी इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन की वॉल में किस तरीके से अंदर धंस जाता है या छेद करके अंदर गड़ जाता है, ठीक है। हुक्स के थ्रू, पेनिट्रेशन ग्लैंड्स के थ्रू, बोथ ए एंड बी या फिर स्कॉलेक्स के थ्रू। तो आंसर है फ्लेम सेल्स, पेरेन्काइमा और लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स पाए जाते हैं टीनिया में, जबकि हेक्साकैंथ लार्वा जो टीनिया का होता है वो बोर हो जाता है किसमें, हमारे इंटेस्टिनल वॉल में थ्रू हुक्स। ओके, नेक्स्ट जो पहला इंडिकेशन है जिससे ऑन्कोस्फेयर बदल जाता है ब्लड वॉर्म में टीनिया सोलियम की लाइफ हिस्ट्री में वो क्या है। ओके, लॉस ऑफ हुक्स एंड एक्विजिशन ऑफ फ्लूड फिल्ड सेंट्रल कैविटी या फॉर्मेशन ऑफ इन्वर्टेड प्रोस्कॉलेक्स, अपेरेंस ऑफ नेक,
इवेजिनेशन ऑफ, ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से पहला इंडिकेशन क्या है जिसके थ्रू ऑन्कोस्फेयर ब्लैडर वॉर्म में बदलता है. नेक्स्ट है टेप वॉर्म हैज नो डाइजेस्टिव सिस्टम बिकॉज इट इज अ पैरासाइट, इट एब्जॉर्ब्स फूड फ्रॉम जनरल सरफेस, डज नॉट नीड फूड, लिव्स इन इंटेस्टाइन. ओके, आंसर है जो पहला इंडिकेशन है जिसके जिससे पता चलता है कि ऑन्कोस्फेयर ब्लैडर वॉर्म में बदल रहा है वो है फॉर्मेशन ऑफ इनवर्टेड प्रोब. नेक्स्ट है टेप वॉर्म के पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है क्योंकि वो अपनी जनरल बॉडी सरफेस से फूड एब्जॉर्ब कर लेता है अपने होस्ट की बॉडी या होस्ट के इंटेस्टाइन से. ओके, नेक्स्ट है फॉर कंप्लीटिंग लाइफ साइकिल टेप वॉर्म रिक्वायर्स स्नेल पिग लीव्स या मैन. अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए टेप वॉर्म को क्या चाहिए इनमें से, ठीक है. नेक्स्ट है मैच्योर प्रोग्लॉटेड सेक्स फीमेल ऑर्गन्स आर फाउंड या बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर फाउंड, ओनली एग्स आर प्रेजेंट एंड ऑल अदर ऑर्गन्स हैव डीजेनरेटेड या हेक्सागन एम्ब्रियो हैव बीन फॉर्म्ड. तो ये बताना है कि जब मैच्योर प्रोग्लॉटेड सेगमेंट होता है टीनिया का उसका क्या मतलब है, उसमें क्या होता है, ठीक है ना. तो आंसर है फॉर कंप्लीटिंग लाइफ साइकिल टेपवॉर्म रिक्वायर्स पिग. पिग इसका आपको ध्यान होगा आपके सेकेंडरी होस्ट के फॉर्म में पिग रहता है, ठीक है. और नेक्स्ट है जो मैच्योर प्रोग्लॉटेड सेगमेंट है टीनिया का उसका मतलब होता है कि मैच्योर प्रोग्लॉटेड में अब दोनों मेल पाए जाएंगे और इसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है. तो इसलिए मेल और फीमेल ऑर्गन्स का होना मैच्योर प्रोग्लॉटेड सेगमेंट में ज़रूरी हो जाता है. नेक्स्ट है एपोलाइसिस इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग्स, सेपरेशन ऑफ ग्रेविड स्ट्रोबिला, डिस्ट्रक्शन ऑफ फेगोसाइट्स या सेलुलर डाइजेशन. नेक्स्ट है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीनिया सोलेम इज हैज नो माउथ, एलिमेंट्री कैनाल एंड एनस, सक्स प्री डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इट्स होस्ट इंटेस्टाइन बाय ओरल सकर्स, हैज हेड नेक एंड थोरेक्स बट नो एब्डोमेन, पजेस एग्स विच आर अनअफेक्टेड इवन एट बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर. ठीक है, तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक बताना है टीनिया सोलेम का. तो आंसर है एपोलिसिस जो है इसमें सेपरेशन होता है ग्रेविड प्रोग्लॉटेड का स्ट्रोबिला से, ठीक है ना. तो स्ट्रोबरेट हो जाएगा ग्रेविड प्रोग्लॉटेड और इसमें बहुत सारे एग्स होंगे टीनिया के. ओके, नेक्स्ट है जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है टीनिया सोलेम की उसमें सरफेस से थ्रू द होस्ट इंटेस्टाइन. नेक्स्ट है टेप वॉर्म फीड्स बाय, टेप वॉर्म किसके द्वारा खाना खाता है, माउथ हुक्स सकर्स या जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है. इमैच्योर प्रोग्लॉटिड्स ऑफ टीनिया सोलेम हैव टेस्टीज बट नो ओवरीज, ओवरीज बट नो टेस्टीज, विटिलाइन फॉलिकल्स एंड शेल ग्लैंड बट नो गोनाड्स, दिस वन इज गोनाड्स, यूटेरस बट ओवरीज नॉट टेस्टीज, ठीक है. तो इनमें से इमैच्योर प्रोग्लॉटिड्स जो है टीनिया सोलेम का उसके पास क्या होना चाहिए, क्या होता है, ठीक है. तो आंसर है टेपवॉर्म फीड्स बाय माउथ, सॉरी टेपवॉर्म फीड्स बाय जनरल बॉडी सरफेसेस और इमैच्योर प्रोग्लॉटिड्स होती हैं जो टीनिया सोलेम की उसके पास विटिलाइन फॉलिकल्स होते हैं, शेल ग्लैंड्स होते हैं लेकिन गोनाड्स नहीं होंगे, समझ रहे, टेस्टिस और ओवरीज नहीं होंगे लेकिन विटिलाइन फॉलिकल्स और शेल ग्लैंड्स होंगे. तो ये इमैच्योर प्रोग्लॉटिड है और मैच्योर प्रोग्लॉटिड में क्या होगा, अब टेस्टिस और ओवरीज दोनों आ जाएंगी मैच्योर कंडीशन में. ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग आर फाउंड इन टीनिया सोलियम, मार्क द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है ना. इसमें से सीक्वेंस बताना है लार्वल कंडीशन टीनिया सोलियम की, सिंपल, ठीक है ना, सीक्वेंस की फॉर्म में. ऑन्कोस्फेयर, हेक्सागन, सिस्टिसर्कस लार्वा, मैच्योर प्रोग्लॉटेड, ग्रेविड या फिर ग्रेविड, ऑन्कोस्फेयर, सिस्टिसर्कस, मैच्योर प्रोग्लॉटेड या हेक्सागन लार्वा, सिस्टिसर्कस, मैच्योर प्रोग्लॉटेड या ऑन्कोस्फेयर.
ठीक है, ऑनकोस्फेयर, हेक्सोकैम्प, ग्रेविड, सिस्टिसर्कस लार्वा या मैच्योर प्रोग्लॉटिड। तो इसमें सीक्वेंस बताना है लाइफ साइकिल ऑफ टीन या सोलियम में पहला कौन सा आता है और लास्ट वाला स्टेज कौन सा होता है। ओके तो आंसर है लार्वल कंडीशन ऑफ टीनियम टीनिया सोलियम में हम देखते हैं सबसे पहले ऑनकोस्फेयर बनता है, फिर बनता है हेक्सोकैम्प, फिर सिस्टिसर्कस लार्वा बनता है और फिर मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स की फॉर्मेशन होती है और मैच्योर प्रोग्लॉटिड फर्दर ग्रेविड प्रोग्लॉटिड में कन्वर्ट हो जाती है जिसमें कि ग्रेविड कंडीशन में एग्स प्रेजेंट होते हैं और अब फिर से नई लाइफ साइकिल शुरू होने के लिए तैयार है टीनिया सोलियम की। तो दिस वन इज द लाइफ साइकिल सीक्वेंस ऑफ टीनिया सोलियम। नेक्स्ट है सिक्स हुक्स ऑफ हेक्सोकैम्प स्टेज इन लाइफ हिस्ट्री ऑफ टीनिया सोलियम हेल्प इन स्टिकिंग ऑफ टंग या सॉरी स्टिकिंग टू टंग ऑफ इंटरमीडिएट होस्ट पिग और काउ, बोरिंग थ्रू वे ऑफ प्रोग्लॉटिड टू बी रिलीज्ड ऑन ग्रास, बोरिंग थ्रू इंटेस्टिनल वॉल ऑफ इंटरमीडिएट होस्ट या एंकरिंग टू इंटेस्टिनल वॉल ऑफ इंटरमीडिएट होस्ट। ठीक है, क्या करता है जो सिक्स हुक्स हैं हेक्सोकैम्प स्टेज के वो किस के लिए सहायक हैं। ठीक है, तो आंसर है जो सिक्स हुक्स होते हैं हेक्सोकैम्प के वो बोर कर लेते हैं, बोर मतलब छेद करके धंस जाते हैं इंटेस्टाइनल वॉल ऑफ इंटरमीडिएट होस्ट में और यहाँ पे एंकर नहीं करते हैं। ठीक है ना, एंकर मतलब वहाँ से कुछ चीज़ें ग्रहण नहीं करेंगे या उसको कोई चीज़ देंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बोर करेंगे छेद करके अंदर धंस जाएंगे इंटेस्टाइनल वॉल में ताकि वो हिले डुले नहीं कहीं इधर उधर ना चले जाए। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैडर वर्म जिसे सिस्टिसर्कस भी कहते हैं इज अ लार्वा ऑफ लीवर फ्लूक, प्लेनेरिया, टेप वॉर्म या राउंड वॉर्म। ओके, विच वन इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ लीवर फ्लूक इन्फेक्ट्स प्राइमरी होस्ट, ठीक, मिरासीडियम, रीडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। तो आंसर है ब्लैडर वॉर्म लार्वा है टेप वॉर्म का और जो लाइफ साइकिल लीवर फ्लू की उसमें प्राइमरी होस्ट कंडीशन में जो जाता है लाइफ स्टेज ऑफ लीवर फ्लू का वो लार्वा है मेटासर्केरिया। ठीक है ना, इन प्लेटीहेलमिंथीज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर नेफ्रीडिया, मालफीजियन ट्यूबल्स, फ्लेम सेल्स और ग्रीन ग्लैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक एंड टीनिया सोलियम आर ऑल, ये सब के सब क्या हैं, सेगमेंटेड, फाउंड इन गट, फ्लैटवॉर्म्स या हैविंग सीलोम। तो आंसर है प्लेटीहेलमिंथीज के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड फ्लेम सेल्स और प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, टीनिया सोलियम सारे के सारे फ्लैटवॉर्म्स हैं इसीलिए आपके प्लेटीहेलमिंथीज कहलाते हैं। नेक्स्ट है टेपवॉर्म डज नॉट पजेस डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ लीवर फ्लूक इज स्नेल, पिग, मैन या फ्लाई। तो आंसर है टेपवॉर्म के पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है और इंटरमीडिएट होस्ट है लीवर फ्लूक का स्नेल। ओके, नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन इज लाइकली टू अकर इन, इन सब में से एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होती है, क्लैमवॉर्म, टेपवॉर्म, अर्थवॉर्म या ग्लोवॉर्म। नेक्स्ट है टीनिया सेजिनेटा डिफर फ्रॉम टीनिया सोलियम इन एब्सेंस ऑफ स्कॉलेक्स, हुक्स अपॉन स्कॉलेक्स, सकर्स अपॉन स्कॉलेक्स या नन ऑफ डीज। ओके, आंसर है एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है टेपवॉर्म में और टीनिया सेजिनेटा टीनिया सोलियम से अलग होता है क्योंकि टीनिया सोलियम के पास हुक्स होते हैं उसके स्कॉलेक्स में, टीनिया सेजिनेटा के पास कोई हुक्स नहीं होते हैं स्कॉलेक्स वाले भाग में। नेक्स्ट है एम्ब्रियो नोन एज ऑनकोस्फेयर अकर इन, जिस जो एम्ब्रियो ऑनकोस्फेयर कहलाता है वो किस में पाया जाएगा, टीनिया, फेसियोला, पैरामीशियम या एस्कैरिस। वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ टीनिया इन मैन इज लॉस ऑफ एपेटाइट, इरप्शन ऑफ बॉडी, इरिटेशन ऑफ गट या स्कैबियासिस। ठीक है, आंसर है जो एम्ब्रियो है ऑनकोस्फेयर वो टीनिया की लाइफ हिस्ट्री में पाया जाता है जबकि जो मेन इफेक्ट है टीनिया का इन मैन वो नज़र आता है कि जो व्यक्ति है जिसे टीनिया का इन्फेक्शन हुआ है उसकी भूख कम हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट नज़र आता है, भूख कम होना। नेक्स्ट है शीप लीवर फ्लूक इज, शीप लीवर फ्लूक किसे कहते हैं, फेसियोला, टीनिया, एम्फीस्टोमम या प्लेनेरिया। ठीक है, लॉरर्स कैनाल किस में पाई जाएंगी, फेसियोला, टीनिया, एम्फीस्टोमम या प्लेनेरिया। आंसर है शीप लीवर फ्लू कहते हैं फेसियोला का और लॉरल कैनाल भी फेसियोला के पास पाई जाएंगी। ठीक है ना, नेक्स्ट है लीवर रॉट हेपेटाइटिस इन मैन कॉज्ड बाय लीवर फ्लू, टीनिया सोलियम, हेपेटाइटिस बी वायरस, फेसियोला हेपेटिका।
ठीक है, जिसमें लीवर सड़ जाता है, इस तरीके का हेपेटाइटिस किस में नज़र आएगा। ठीक है, इन प्लेटी हेलमेंथीज पेरेनकाइमा इज ऑफ, पेरेनकाइमा किस तरीके का होता है प्लेटी हेलमेंथीज में, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मीजोडर्मल या एनी ऑफ अबव। तो आंसर है लीवर रॉट हेपेटाइटिस फेसियोला हिपैटिका के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट है प्लेटी हेलमेंथीज में जो पेरेनकाइमा है वो मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनसेगमेंटेड बॉडी, इनमें से किसके पास अनसेगमेंटेड बॉडी पाई जाएगी। ठीक है, फेसियोला, टीमनिया, प्लेनेरिया या पैरा एम्फिस्टोमम। नेक्स्ट है बीफ टेप वॉर्म किसे कहते हैं। ठीक है ना, बीफ टेप वॉर्म, टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा, फेसियोला हिपैटिका या फिर नन ऑफ दीज। आंसर है अनसेगमेंटेड बॉडी है फेसियोला की और बाकी सबके पास हम देखते हैं सेगमेंटेड बॉडी पाई जाएगी। नेक्स्ट है बीफ टेप वॉर्म कहते हैं हम टीनिया सेजिनेटा को, जबकि टीनिया सोलियम को हम क्या कहते हैं, पोर्क टेप वॉर्म। ठीक है ना, क्योंकि सेकेंडरी होस्ट के फॉर्म में बीफ है यहाँ पे, जबकि टीनिया सोलियम में सेकेंडरी होस्ट के फॉर्म में पोर्क रहता है। ठीक है, पिग रहता है। लार्वा इन लीवर फ्लूक इज मिरासीडियम, देखो सीक्वेंस बताना है लाइफ हिस्ट्री ऑफ लीवर फ्लूक में। ठीक है, लार्वा के सीक्वेंस बताने, पहला कौन सा बनता है, लास्ट में कौन सा बनता है, मिरासीडियम, स्पोरोसिस, सर्केरिया, रीडिया या मेटा सर्केरिया, या फिर मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रीडिया, मेटा सर्केरिया या सर्केरिया। इसी ढंग से सर्केरिया, स्पोरोसिस, रीडिया, मिरासीडियम या मेटा सर्केरिया, या फिर सर्केरिया, स्पोरोसिस, मिरासीडियम, रीडिया या मेटा सर्केरिया। तो अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे इसको और समझेंगे कि पहला कौन सा आएगा लीवर फ्लू की लाइफ हिस्ट्री में और बाद में कौन सा आएगा। ठीक है, लार्वल कंडीशन में तो आंसर है सर्केरिया पहले आता है, स्पोरोसिस्ट उसके बाद, देन रीडिया, मिरासीडियम और मेटा सर्केरिया। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ लीवर फ्लूक में पहला लार्वा है सर्केरिया, देन स्पोरोसिस, देन रीडिया, देन मेटा मिरासीडियम, देन मेटा सर्केरिया। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट द लाइफ, सॉरी, एमसीक्यूज ऑफ प्लेटी हेलमिंथीज़।